में रानीपुर क्षेत्र के विधायक आदेश चौहान के खिलाफ सुभाष नगर वासियों ने नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि विधायक आदेश चौहान ने गत चुनाव से इस क्षेत्र की गलियां पक्की करवाने, पीने के पानी की व्यवस्था करवाने, क्षेत्र में सिविल लाइन बिछाने व घरों के ऊपर से गुजरती हुई 33,000 वाट की बिजली की तार हटाने का वादा किया था। आज 9 वर्ष तक रहे विधायक ने कोई वादा पूरा नहीं किया। यहाँ तक कि घरों के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन तार को भी नहीं हटवाया गया, जिसकी वजह से कुछ लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और कुछ अपंग हो चुके हैं। स्थानीय विधायक व भाजपा से लोगों का विश्वास अब हट चुका है। समस्या यह है कि हमारी सड़कें खराब है, नाली खराब है, पानी नहीं आता क्या समस्या है यहाँ की? यहाँ की समस्या यह सर कि यहाँ पे हाई टेंशन लाइन जा रही है, इसकी वजह से कई लोगों के घरों में कई मौतें भी हो चुकी है, कई चीजें सूख जाती है, मतलब कुछ गिरती है और लाइन पूरी पानी से भरी रहती है। सिविल लाइन बिछाने का वादा किया था, वो भी चला गया, अभी तक नहीं बिछा, कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। आदेश चौहान ने बोला था कि लाइन बिछाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वादा करके पता नहीं कहाँ चले गए। सीवर व्यवस्था भी कही, सीवर व्यवस्था भी बोली गई थी, कुछ नहीं हुआ। हाई टेंशन के बारे में क्या बोल रहे हैं? हाई टेंशन के बारे में बोला गया कि लाइन हट दी, हटा दी जाएगी, आज तक कुछ नहीं हुआ। 8 साल तो मुझे भी हो गए यहाँ रहते रहते, मैंने देखा अभी तक बैठे। फ्रिज चला गया, इन्वर्टर बोल गया, हर चीज यहाँ पे, मतलब मेरे ही नहीं, प्रत्येक घर में देखे ना, हर किसी के लिए कई लोगों की जाने चली गई। क्या समस्या यहाँ की लोगों की? मेन तो यहाँ के पहले रोड की है, सब ज्यादा बिगड़ रोड की समस्या है। हमारे बीच में रावत जी, एमएस रावत जी थे, कोरोना टाइम पे उनकी गाड़ी एम्बुलेंस अंदर नहीं आ सकी, सिर्फ यही वजह की रोड की वजह से, और वो यहाँ रास्ते पे उन्होंने दम तोड़ दिया। वो जबकि हमारे सक्रिय थे, उन्होंने काफ़ी एप्लीकेशन डीएम को दे रखी है, सबको दे रखी है, उनकी काफ़ी समय उनके सुपुत्र है ये, है ना, और समस्या लेके आते पापा को, और हम लोग यहाँ लेके आए, यही समस्या है। खुदा ना करे भगवान फिर कोई दिक्कत आ जाएगी तो हम लोग फिर परेशान, एम्बुलेंस यहाँ नहीं आती, और ये हाई टेंशन, ये बिजली का खंभा, हाई टेंशन, इतनी इतनी इन लोग वादा करा कि हाई टेंशन की लेकर हाई टेंशन हटाएंगे, और अब तक नहीं हटाया। और बंदरों से, और इस खंभे से सब दिक्कत हमें ये आ रही है कि कई बार घटनाएं घट जाती हैं, इस पार्किंग होती है, और ये देखो अभी 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 एक हफ्ते 3 दिन पहले ही अभी घटना घट गई थी, लोगों के इन्वेटर वगैरह फूक गए, है ना। तो कहने मतलब ये है कि हम हमें विधायक से खाली वादा करते हैं और यहाँ आता तक नहीं है, और यार ये शहर है और बगैर पीछे शहर है, और हम लोग दे दे थक गए, किचन का भी कैपिंग है, ये सड़क किले की कैपिंग है, और ये रिसीविंग करवा रखी है, और उन्हें ये कहा था कि ये काम जल्दी शुरू कर देंगे, लेकिन आज तक शुरू नहीं हुआ। हर खबर पर पैनी नजर, आप देख रहे हैं उल्लेख न्यूज। आगे की खबरें और जानकारी के लिए बने रहिए उल्लेख न्यूज के साथ।